केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हुई विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ ने बताया कि दो चरणों में हुई बैठक में हिस्सा लेने आए सभी सदस्यों को जनता के साथ गहरा संबंध बनाने, बूथ को मजबूत करने और प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जाकर काम करने के निर्देश दिए गए। दो चरणों में हुई विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में बीजेपी चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक ली। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय साथ हैं भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ, इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज हमारी विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पंचकुला में संपन्न हुई। इसमें दो सत्र थे। पहले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं विधानसभा के चुनाव प्रभारी यानी आगामी विधानसभा के लिए श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ सह प्रभारी श्रीमान विप्लव देव जी और हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी एवं तमाम नेता उसमें उपस्थित थे। सभी ने सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उल्लास भरने का काम किया। सभी को अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के साथ संपर्क को और गहरा बनाने के ऊपर जोर दिया और ताकि आगामी चुनाव के ऊपर हम प्रत्येक बूथ से विजय हासिल करके इस बार पिछले सभी कीर्तिमान तोड़ते हुए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने का कार्यकर्ता काम करे, इस विषय को के ऊपर केंद्रित ये पहला सत्र था। और दूसरे सत्र के अंदर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिनको हिंदुस्तान के अंदर आज के युग के चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बढ़ा और उनको विश्वास दिलाया कि अगर उनके बताए हुई रणनीति के तहत हमने अपने बूथों को और शक्ति केंद्रों को दोनों को मजबूत किया तो निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार का सुखद अनुभव हम लोगों को मिलेगा और इस जनता की सेवा करने का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए, इस दिशा में किस प्रकार से चलना है और क्या क्या काम करने हैं, जो करणीय काम है हमारे, उनके ऊपर माननीय अमित शाह जी ने हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। सेठ जी, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके साथ साथ पार्टी पदाधिकारी को भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा चुनाव में अच्छी तरीके से काम कर सके और दोबारा सरकार बन सके? इसके लिए प्रदेश संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हमारे प्रत्येक प्रकोष्ठ को उसकी जिम्मेवारियां बताई गई और उनके सभी के जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं जो प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर हैं, उन सभी को, मोर्चे तो हमारे पहले ही सुदृढ़ हैं, उन प्रकोष्ठों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है और हमारे सभी जिलाध्यक्ष अपने शक्ति केंद्र में जाकर एक एक बूथ को सुदृढ़ कर रहे हैं और इस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है कि कोई भी छोटा सा भी कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जैसे मैन टू मैन मार्किंग की जाती है, उस प्रकार से इस बार चुनाव के अंदर मैन टू मैन मार्किंग करके ये चुनाव भारतीय जनता लड़ने जा रही है और इतनी सुंदर व्यवस्था और मैनेजमेंट जो माननीय अमित शाह जी हरियाणा को दे करके गए हैं, उसके निश्चित रूप से अगर उसके माध्यम से हमने काम कर लिया, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और अब प्रत्येक नागरिक के साथ संपर्क साधेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सेठ जी, क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने विधायकों और सांसदों को 100 डे का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है? जी, वो 100 दिन का रोड मैप सभी विधायकों को और सांसदों को और मंत्रियों को दिया गया है और वो सब लोगों को 15 दिन का समय दिया गया था इस रोड मैप को फाइनल करके इसको जमीनी स्तर पर लागू करने का और उसको कर रहे हैं और बहुत जल्दी, मैं यही तो बता रहा हूँ, ये रोड मैप का हिस्सा ही है ये भी। तो जो उनके कोई काम रह रहे हैं अपने क्षेत्रों के अंदर उनको करवाना, जो कोई अधूरे लटके पड़े हैं उनको करवाना, जो कहीं प्रशासनिक
फाइलों में कहीं अटके पड़े हैं उनको निकलवाना, ये सारा काम ये जो हमारे इलेक्टेड नेता हैं ये सब वो करके उसे ज़मीन पर साकार रूप देंगे। इस काम के ऊपर सब जुट गए हैं। सेठ जी, आप तो कह रहे हो कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी, लेकिन विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा हाफ और विधानसभा चुनाव में भाजपा साफ। देखिए, बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास किसी के लिए भी घातक होता है, और हुड्डा जी को ये जान लेना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस विल डिस्ट्रॉय देम। और हम लोग काम करते हैं, हम ज़मीन पर हैं, उनका तो अभी संगठन भी तैयार नहीं है, और संगठन पूरा एकजुट होकर के इस चुनाव में लगेगा और उनका भ्रम निकाल देंगे। सेठ जी, किरण चौधरी जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई हैं, क्या कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता हैं जो जल्दी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, बहुत से नेता तो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा को ज्वाइन भी करेंगे, किंतु आपको मैं बता रहा हूँ, ये पक्की खबर है, कांग्रेस अंदर से खंडित है। बाहर बाहर से वो जैसे एक संतरा होता है ना, बाहर से एक लगता है, अंदर से सब फाड़ियाँ अलग अलग होती हैं। तो इनके सब नेता ये कांग्रेस इस समय संतरे की भांति है, एक बार ऊपर का छिलका उतरा नहीं और सब अलग अलग होकर के बिखर जाएगा। तो ये कांग्रेस चुनाव में की तैयारियां कर ही नहीं सकती, ना इनके पास संगठन है, ना इनके पास एकजुटता है, इनके घर में कलेश ही कलेश है, और कलेशी घर कभी तरक्की नहीं करता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये थे मेरे साथ भाजपा चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विशाल सेठ। इन्होंने बताया कि आज प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक हुई और ये बैठक दो चरणों में हुई, और इस बैठक में क्या क्या कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ साथ इन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।